हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बॉर्डर पट्टी डिज़ाइन। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स, से आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको डाल सकते हो। लेडीज में, जेंट्स में, या छोटे बच्चों के स्वेटर में भी आप इसको डाल सकते हो। इस तरह से बन के आता है। आइए सीखते हैं। बॉर्डर पट्टी, फर्स्ट रो पहला वाला फंदा सीधा बना लेंगे। पहला वाला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा को अपनी तरफ रखेंगे और इसको हमने उल्टा इस तरह से निकालना है। उल्टा निकालने के बाद अब इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। इस तरह से लेना है, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे, धागा को अपनी तरफ रखेंगे। एक फंदा हमने इस तरह से निकालना है उल्टा और एक फंदा सीधा। इस तरह से हम सीधा बनाएंगे, धागा को अपनी तरफ रखेंगे। एक फंदा को हमने बिना बुने उतारना है सीधे हाथ की सिलाई में, और एक फंदा हमने, ये दिख रहा है, इस तरह से हमने सीधा बनाना है। धागा को अपनी तरफ रखेंगे, एक फंदा हमने उल्टा बिना बुने निकालना है सीधे हाथ की सिलाई में, और एक फंदा हमने सीधा बनाना है। इस तरह से पूरी रो में हमने ये रिपीट करना है। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और एक फंदे को हमने बनाना है। धागा को अपनी तरफ लेंगे, इस फंदे को हमने बिना बुने लेंगे और इसको हम सीधा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड रो, इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे और यहाँ पर ये दो इकट्ठे दिख रहे हैं, धागा को आगे की तरफ रखेंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे। इस तरह से धागा को अपनी तरफ लेंगे, ये उल्टा फंदा है, इसको हमने बैक साइड से बिना बुने उतारना है, फिर इसको हम सीधा बना लेंगे। दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे और सीधा बना लेंगे। इस तरह से, इस तरह से धागा लेना है और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। धागा को अपनी तरफ लेंगे, इस फंदे को, उल्टा फंदे को हमने बिना बुने उतारना है सीधे हाथ की सिलाई में। इसके बाद हमने धागा को अपनी तरफ लेके इस तरह से हमने दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। धागा को आगे की तरफ रखेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतारना है और इधर दो फंदे हैं, इन दोनों फंदों का हमने एक फंदा बना लेना है। धागा को अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतार लेंगे सीधे हाथ की सिलाई में, और ये जो सीधा फंदा है उसको हमने इस तरह से दो का एक बना लेंगे। धागा को अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतार लेंगे सीधे हाथ की सिलाई में, धागा को अपनी तरफ ही रखेंगे और यहाँ पर दो फंदों का इस तरह से हमने एक फंदा बनाना है। धागा को आगे की तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा है साइड वाला, इसको हम उल्टा बना लेंगे। सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी रो, पहला वाला फंदा सीधा बना लेंगे, इस फंदे को, जो उल्टा फंदा, इसको हमने आगे की तरफ से भी, बैक साइड से भी हमने बिना बुने उतारना है, और सीधे जो दो फंदे हैं इनको हमने घटा देना है। इस तरह से धागा को अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे और इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से धागा को अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने लेना है, सीधा फंदा को हमने इस तरह से सीधा बनाना है और दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। धागा को अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर दो फंदे हैं इस, इन दोनों फंदों को हमने इस तरह से लेना है। धागा को अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारना है सीधे हाथ की सिलाई में, फिर उसके बाद हमने इस तरह से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। साइड वाला फंदा है इसको हम, नहीं अभी ये उल्टा फंदा है, इसको बिना बुने उतारना है सीधे हाथ की सिलाई में, और इधर हमने साइड वाले फंदे के साथ लेके इसको इस तरह से बनाना है। तीसरी रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चौथी रो में भी हमने वही रिपीट करना है। उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे और सीधा जो जो दो फंदे दिख रहे इनको हमने सीधा बनाना है,
आगे की तरफ से भी और बैक साइड से भी धागा को अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा बिना उन्हें उतार लेंगे और इसको हमने दो फंदों का एक बंदा बना लेंगे। उल्टा फंदा बिना बुने उतारना है और इन दोनों फंदों को घटा देना है सीधा करके। उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे सीधे हाथ की सिलाई में और इन दोनों फंदों को एक फंदा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा हमने बिना बुने उतारना है और इन दोनों फंदों का एक फंदा बनाना है इस तरह से। धागा को अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे। धागा को अपनी तरफ लेंगे, साइड वाला उल्टा फंदा है इसको हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर हमारी चार रो कंप्लीट हो चुकी है। पांचवी रो, छह रो तक हमने ये रिपीट करना है। सीधा फंदा सीधा बना लेंगे, जो उल्टा फंदा है इसको हमने बिना बुने उतारना सीधे हाथ की सिलाई में और जो दो फंदे दिख रहे इनको हमने घटा देना है। धागा को अपनी तरफ ही रखेंगे और इन दोनों फंदों को इस तरह से हम घटा लेंगे। धागा को अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारना है और इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे और इन दोनों फंदों को एक बना लेंगे। धागा को अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे और इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे इस तरह से, इन दोनों फंदों को घटा लेंगे, एक बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, ये उल्टा फंदा है और यहाँ पर इस तरह से सीधा फंदा बना लेंगे। अब उल्टे फंदे में उल्टे छठी सिलाई में हमने क्या करना है, सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। ये छठी रो हमारी, तो इसमें हम सारे फंदे उल्टे बना लेंगे और जहाँ पर दो फंदे दिख रहा है उसका हम दो का एक बना लेंगे। इस तरह से दो का एक बना लेंगे। यहाँ पर हमारा एक डिज़ाइन पूरा हो गया है। अब हमने दूसरा डिज़ाइन में चेंज करेंगे। अब इधर हम उल्टा बनाएंगे और इधर हम सीधा बनाएंगे। पहला वाला फंदा सीधा बना लेंगे और इस फंदे को हमने सीधा ही बनाना है। इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा को अपनी तरफ लेंगे। अब जो सीधा दिख रहा है इसको हमने उतार लेना है इस तरह से, और इसको उतारने के बाद हमने इस तरह लेना है। धागा को अपनी तरफ लेंगे, अब जो सीधा दिख रहा है डिजाइन बना हुआ इसको हमने इस तरह से लेना है और जो बीच वाला फंदा है इसमें हम सीधा बना लेंगे। धागा को अपनी तरफ लेंगे, जो सीधा दिख रहा है उसको हमने इस तरह उल्टे जैसा हम उल्टा बनाते हैं इस तरह से उतारना है सीधे हाथ की सिलाई में, और इसको हम जो बीच में है उसको हम सीधा बना लेंगे। धागा को अपनी तरफ लेंगे, इस फंदे को हमने बिना बुने उतारना है सीधे हाथ की सिलाई में और यहाँ पर हम सीधा बना लेंगे। धागा को अपनी तरफ लेंगे, इसको हम बिना बुने उतारना है और ये जो बीच में है इसके बगल में है इसको हमने सीधा बनाना है। एक फंदा है इसको हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा, सेकेंड रो दूसरे डिज़ाइन की। पहला वाला फंदा सीधा बना लेंगे। अब ये फंदा है इसको हमने जो उल्टा फंदा दिख रहा है इसको हमने बिना बुने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे। धागा को आगे की तरफ रखेंगे और नहीं, धागा को यही रखेंगे, अपने पास ही रखेंगे धागा को, और यहाँ पर इस तरह से हमने सीधा बनाना है। दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे। धागा को अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारना है और ये सीधा फंदा हमने धागा को अपनी साइड ही रखेंगे, सीधा बना लेना है। उल्टा फंदा बिना बुने उतार लेंगे सीधे हाथ की सिलाई में और जो ये दो फंदे इसको हमने सीधा बनाना है। धागा को अपनी तरफ लेंगे, इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे
और यहाँ पर दो फंदे हैं, दो फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे। इस तरह उल्टे फंदे को उतारना है सीधे हाथ की सिलाई में और दो फंदों का एक फंदा बनाना है। उल्टा फंदा है साइड में, इनको उल्टा ही बना लेंगे। अब इस फंदे को हमने सीधे ही बनाना है। ये फंदा दिख रहा है, इसको भी हम सीधे ही बना लेंगे। धागा को अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारना है। धागा को अपनी साइड ही रखेंगे और अब यहाँ दो फंदा दिख रहा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। इस तरह इसको सीधा बनाना है। धागा को अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे और ये दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से धागा को अपनी तरफ लेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारना है। अब ये दो फंदे दिख रहे हैं, इसको हमने इस तरह से सीधा बनाना है। धागा को अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे और इसको हमने सीधा बना लेना है। उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। साइड वाला फंदा है, इसको भी हम सीधा ही बना लेंगे। रॉन्ग साइड में भी वही रिपीट करना है हमने। जो उल्टा फंदा है इसको तो हम बिना बुने उतारना है, फिर अपने पास ही रखना है धागा को और ये जो दो फंदे दिख रहे हैं इसको हमने सीधा बना लेना है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतार लेंगे और इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अपनी तरफ रखेंगे धागा, उल्टा फंदा हमने बिना बुने उतारना है और इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अपनी तरफ रखेंगे धागा, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे। दो फंदे हैं, इनको हमने इस तरफ से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। छह रो तक हमने यही बनाना है। ये फंदा उल्टा, इसको हम उल्टा बना देंगे। धागा को आगे की तरफ रखेंगे, सीधा फंदा इनको दो का एक फंदा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, ये उल्टा है इसको हमने बिना बुने उतारना है, ये सीधा है इसको हम इस तरह से बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे और दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, उल्टा फंदा बिना बुने उतारना है और इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे और इस दो फंदे हैं, इनको हमने दो फंदों का एक फंदा बनाना है। इस तरह से उल्टा फंदा बिना बुने उतारेंगे, यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे। साइड वाला फंदा है, इसको हम सीधा ही बना लेंगे। इस तरह से बन के आएगा फ्रेम से। उल्टी रो में भी हमने पूरा फंदा उल्टा उल्टा बना लेंगे। इन दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदों का एक फंदा उल्टा। इस तरह से हमने छठी रो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड से और पूरा बन के ये इस तरह से दिखेगा। छह रो का डिज़ाइन है, आप इसको किसी भी स्वेटर में बॉर्डर पट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से बन के आता और बन के बहुत खूबसूरत लगता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।